अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेटिकुलोसाइट्स का। ओके, रेटिकुलोसाइट्स क्या होती हैं, व्हाट इज द रेटिकुलोसाइट काउंट, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज के 30 मिनट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात कि आप लोग एरिथ्रोपोइसिस पढ़ चुके हैं, आप लोगों को एरिथ्रोपोइसिस का लेक्चर हो चुका है इन लास्ट वीक। इन एरिथ्रोपोइसिस आप लोगों ने देखा था कि जो आरबीसीज की मेच्योर होने तक, इनिशियल स्टेज बनने से लेकर मेच्योर होने तक है, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें 6 स्टेजेस 6 स्टेजेस आती हैं। प्रो नॉर्मोब्लास्ट सबसे पहले होते हैं, फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होते हैं, देन पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट एंड देन रेटिकुलोसाइट्स होते हैं 5th नंबर पर। फिर आ जाते हैं मेच्योर आरबीसीज, ठीक है। मेच्योर आरबीसीज जो 6th नंबर पर हैं, ये रिलीज हो जाते हैं इन पेरिफेरल ब्लड। ओके, रेटिकुलोसाइट्स भी पेरिफेरल ब्लड में होते हैं, बट उनकी परसेंटेज स्पेसिफाइड होती है, खास रेंज होती है कि उतने परसेंट होंगे, अदरवाइज जो है उससे ज़्यादा होते हैं तो वो किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आते हैं। किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आने वाली जो चीज़ है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों आ रहे हैं, और हम परसेंटेज देते हैं उस पर, ठीक है। अगर हम परसेंटेज रिपोर्ट करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट की, तो इट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर आरबीसीज दैट कंटेन रेमिनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए एंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेजेस ऑफ आरबीसीज, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेजेस ऑफ आरबीसीज, ठीक है। इमेच्योर आरबीसीज डेट कंटेन रेमिनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए एंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ओके, एक्चुअली रेटिकुलोसाइट इज अ कंडीशन, इज एन इमेच्योर स्टेज, ओके, इन विच साइटोप्लाज्मिक आरएनए प्रेजेंट एंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो इनके रेमिनेंट्स हैं, ये रेटिकुलोसाइट स्टेज में होते हैं। देन वी आइडेंटिफाई रेटिकुलोसाइट्स परसेंटेज और वैल्यू ऑफ रेटिकुलोसाइट के ब्लड स्मेयर में कितने आ रहे हैं, देन हम उसकी बेस पर डिजीज डायग्नोज करते हैं। तो व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स, एक्चुअली एन इमेच्योर स्टेज ऑफ आरबीसीज जिसमें साइटोप्लाज्मिक आरएनए एंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स के रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सवाल आप लोग कहाँ करेंगे, आपको तो सब समझ आ जाता है, कोई बात नहीं। रेटिकुलोसाइट काउंट इज एन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल, रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन बोन मैरो। ओके, मींस आरबीसी प्रोडक्शन कैसी है, इफेक्टिव आरबीसी, तो हमें उस बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डेवलप एंड मेच्योर इन बोन मैरो। ओके, आरबीसी जो होते हैं नॉर्मली मेच्योर होते हैं बोन मैरो में ही, बट उनके साथ कुछ अमाउंट रेटिकुलोसाइट्स की ब्लड में भी आ जाती है। स्पिल आउट इन पेरिफेरल ब्लड,
After maturation, RBCs spill out in peripheral blood, stay there for about one day and then become mature. ये देखें जरा, ये जो develop हुए थे ना reticular, sorry मैं mature RBCs पर चला गया था, reticulocyte जो थे वो around peripheral blood में भी one दिन के लिए, एक दिन के लिए रहते हैं, usually 24 hours, then become mature RBCs. Okay, तो जो है ये RBCs जो है उनसे पहले वाली कंडीशन है और ये ब्लड में आ जाते हैं, उसमें ये आकर मेच्योर होते हैं. तो नॉर्मल इसमें से जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए है वो डिसअपीयर हो जाता है. तो इट्स कॉल्ड रेटिकुलोसाइट्स बिकॉज दे कंटेन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोमल आरएनए इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलर मेश लाइक नेटवर्क विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. ओके, कैसे नजर आते हैं हमें ये भी उसी तरह देखेंगे. लाइफ स्पैन ऑफ रेटिकुलोसाइट इज वन डे इन पेरिफेरल ब्लड. Okay, life span of peripheral blood is one day in peripheral blood and 2 to 3 days in bone marrow. 2 to 3 days in bone marrow. Life span of RBCs is 100 days. Life span of RBCs जो है वो 100 days का है. जो आप देख सकते हैं कि around 120 days भी कहते हैं, तो 120 days usually जो है प्लस माइनस के साथ कुछ. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है ये रेटिकुलोसाइट के ऊपर होते हैं. ठीक है, देन उसके बाद जो है नॉर्मल वैल्यूज क्या है एट बर्थ. नॉर्मल वैल्यूज आर 2 to 6%. नॉर्मल वैल्यूज क्या है इसकी 2 to 6% है. नॉर्मल वैल्यूज क्या है 2 to 6% एट बर्थ के टाइम. अप टू 5 ईयर तक इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.2 to 5% तक रह सकती है. ठीक है, इन एडल्ट्स इन आवर बॉडी यूजली इस परसेंट नॉर्मल परसेंटेज इज 0.2 to 2%. ओके, लेस देन एंड मोर देन 2%, मोर देन 2% इज indication of any disease. Less than 0.2% is also an indication of any abnormal erythropoiesis. Clinical significance kya hai? Decreased reticulocyte count indicate that bone marrow is producing less RBCs. Okay, ab aapko samajh aayi baat ki decreased reticulocyte count is showing production of less RBCs. Found in aplastic anemia, radiation therapy, chemotherapy, chronic infection, myelosclerosis, erythroleukemia. Okay, so aplastic ये सारी condition जो है जिनमें reticulocyte decrease हो सकता है, RBC की production decrease हो सकती है. Increased reticulocyte count indicate that bone marrow is producing more RBCs. Okay, why the bone marrow is producing more RBCs? Due to sideroblastic anemia, due to hemolytic anemia, due to compensated pernicious anemia, in thalassemia, acute and chronic blood loss, polycythemia. ठीक है, so these are some common causes of increased reticulocyte count. Then what is the interpretation? This is an important diagnostic tool. It is used to differentiate anemia caused by bone marrow failure from those caused by hemorrhage or hemolysis. Okay, अब देखें जरा ये बात याद रखनी है, anemia bone marrow से है, anemia bone marrow से है या anemia due to hemolysis है, यानी कि blood की hemolysis हो रही है या hemorrhage की वजह से भी तो anemia हो सकता है. ठीक है, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है ये. कैसे हेल्पफुल करता है बताता है आगे चल के हम बात करते हैं. इट इज आल्सो यूज्ड टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट इन परनीशियस एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो ये बहुत अच्छी इसकी इंपॉर्टेंस है टू एक्सेस द रिकवरी ऑफ बोन मैरो फंक्शन इन एप्लास्टिक एनीमिया एंड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन एक्सपोज्ड वर्कर. ओके, वही बात है कि जब रेडियो एक्टिविटी से एक्सपोज होंगे तो रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाएंगे ना. ठीक है, तो इस तरह जो है बोन मैरो फंक्शन एप्लास्टिक एनीमिया में भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्लिनिकल प्रोसीजर. अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ तक तो रेटिकुलोसाइट की कुछ खास चीजें थी. ठीक है, अब आपके पास मैंने आपको एक ना जेपी की बुक सेंड की थी हीमाटोलॉजी की. अगर आपको एसेंशियल हीमाटोलॉजी में इसका रिटर्न फॉर्म में कम मिलता है कि ये क्या है और कैसे हो रहा है, देन आप जेपी से भी कर सकते हैं. लेकिन इसको सब एंगल से कवर कीजिएगा. ठीक है, कि ये असल में है क्या. जैसे कि अगर आप देखें मेरे पास भी जेपी है, इस वक्त भी है, आप लोगों को भी मैंने सेंड कर दी थी. तो उसके यूजली जो है ये है पेज नंबर 57 पे ही होते हैं रेडिकुलोसाइट काउंट जो है ना उसमें हीमाटोलॉजी की बुक में. सो
एक्चुअली ये क्या होते हैं, इन अदर वर्ड्स आर यंग आरबीसीज। ओके, आरबीसीज इज द लैमिनेट्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो अगर हम इनको खास किस्म के स्टेन से स्टेन कर दें तो हमें ये अपीयर भी होते हैं, ये एक्चुअली ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं हमें आरबीसीज के अंदर। ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट इज परफॉर्म टू असेस एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी। अब जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं ये क्यों किया जाता है, इसकी परफॉर्म इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो रेटिकुलोसाइट काउंट इज परफॉर्म टू असेस एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो इन केस ऑफ एनीमिया। ओके, कि मतलब हम ये देखते हैं कि बोन मैरो का फंक्शन कैसा है। ठीक है, इन एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन और इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस रेटिकुलोसाइट काउंट इज लो। ओके, एनीमिया अभी मैंने पीछे इंटरप्रिटेशन पे बात की थी, यहाँ पर अगर हमने इंटरप्रिटेशन की बात की थी, इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने कहा एनीमिया और हिमोलिसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर बोन मैरो से ही इनकी प्रोडक्शन आरबीसीज की कम है। अगर बोन मैरो से ही आरबीसीज नहीं बन रहे, बॉडी में एनीमिया तो है लेकिन हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट। अगर बोन मैरो में मसला है ठीक है तो फिर रेटिकुलोसाइट काउंट भी कम होगा, लेकिन अगर हेमरेज बाहर हुआ है उसकी वजह से एनीमिया है देन देर विल बी नो इफेक्ट ऑन रेटिकुलोसाइट और समटाइम इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट भी हमें मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो हेमरेज की वजह से एनीमिया है। ठीक है, अब हम इसका जो है वो देखते हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं टेस्ट को। ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल है जो आज का हमारा वो हम इसी के साथ कवर करते हैं। ठीक है, मेरा कहना है कि रेटिकुलोसाइट्स की जी सर मैं सर हाँ जी सर ये जो प्रैक्टिकल है सर ये हम ठीक है सर करते जाओ ना, प्रैक्टिकल्स को क्या है मतलब, तुम्हें प्रिंसिपल बता दिए, प्रोसीजर बता दिए, तुम लोगों को रिक्वायरमेंट्स बता दी, इंटरप्रिटेशन बता दिए, इसके बाद क्या चाहते हो तुम लोग हैं? प्रैक्टिकल सब लोग आपको परफॉर्म कराए जाएंगे, आपको कोविड की वजह से नहीं करवाए जा रहे, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन तो दी जा रही है ना, और जितना हो सकता है वो तो आपको दिखाया जा रहा है। और सबसे पहले कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना सब लोगों के साथ एक जैसी हैं। ठीक है, सो अभी जब आप लोग इसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर जब आ जाएंगे ना तब आप इसको परफॉर्म भी करेंगे। सो रेटिकुलोसाइट काउंट कैसे किया जाता है, स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है? सो हमने लास्ट में देखा था जिम्सन स्टेनिंग और रोमानोस्की स्टेन्स की स्टडी की थी। ठीक है, रेटिकुलोसाइट स्टेन सेपरेट है इनसे। अब स्टेनिंग प्रोसीजर में ये कैसे नजर आते हैं? रेटिकुलोसाइट्स आर विजुलाइज्ड बाय स्टेनिंग विद वाइटल डाइज, फॉर एग्जांपल न्यू मेथाइलिन ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और प्योर एज्योर बी। ठीक है, ये तीन स्टेन हैं, इन तीन में से कोई भी यूज किया जा सकता है। यूजली ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू यूज होता है, बट उससे सस्ता मेथाइलिन ब्लू है वो भी यूज होता है। डेट प्रेसिपिटेट द आरएनए। अब दीज रिएजेंट बाइंड्स विद द आरएनए रेमिनेंट्स इन दिस आरबीसी एंड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, जो आरएनए होते हैं आरबीसी में उनके साथ बाइंड करके उनकी प्रेसिपिटेशन कर देते हैं एंड ऑर्गेनेल्स फॉर्मिंग अ फिलामेंटस रेटिकुलम। और इस तरह से हमें क्या होते हैं कि हमें वो जो जिसके साथ प्रेसिपिटेशन हुई है तो हमें प्रेसिपिटेट उस खास स्ट्रेन के साथ रिएक्ट करके कलर्ड फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, सो स्टेन प्रिपरेशन कैसे की जाती है? ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू जो है वो 1 ग्राम लिया जाता है, सोडियम सिट्रेट 0.4 ग्राम एंड नॉर्मल सेलाइन कितना लिया जाता है 100 मिलीलीटर। ओके, ये है आपका स्टेन प्रिपरेशन। कि आपके पास अगर जो है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू इज प्रेजेंट इन द पाउडर्ड फॉर्म देन यू विल टेक 1 ग्राम ऑफ ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू एंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम सिट्रेट, देन आप इसको जो है 100 मिलीलीटर नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर देंगे। डिजोल्व द डाई इन सलाइन, आपने सलाइन में डिजोल्व करना है और इनको मिक्स कर लेते हैं एंड मिक्सचर के बाद आपने इसको फिल्टर कर लेते हैं। अब नाउअडेज आपके पास जो है ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको फिल्टर करना है। अगर फिल्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है देन यू विल गो डायरेक्टली फॉर स्टेनिंग प्रोसीजर। ओके, अब ये प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर से पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। ठीक है, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ वाइटल स्टेन फॉर एग्जांपल न्यू मेथाइलिन ब्लू और ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू इज इनक्यूबेटेड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया किसका, इनमें से ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, मेथाइलिन ब्लू या एज्योर बी में से किसी भी स्टेन का, देन आपने इसको मिक्स किया विद वन ड्रॉप ऑफ ब्लड। इक्वल आपने क्वांटिटी लेनी है स्टेन की और इक्वल क्वांटिटी आपने ब्लड की ली, ठीक है। और फिर आपने उसको टू डिटेक्ट राइबोसोमल आरएनए रेटिकुलोसाइट काउंट आरबीसीज मस्ट बी स्टेन्ड व्हाइल दे आर स्टिल लिविंग, ठीक है। मतलब कि आपने जो है आरबीसीज वो नहीं लेने के जो जो है ड्राई हो चुके हैं, आरबीसीज का आपने जो ड्रॉप लिया था और वो आरबीसीज अभी स्मेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो लिविंग आरबीसीज जो उस तरह से आरबीसीज जो अभी अभी उनकी शेप नॉर्मल है उनके साथ मिक्स करेंगे। देन अ थिन प्रिपरेशन इज मेड एंड आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर फ्यू मिनट्स, मतलब आपने क्या किया वन ड्रॉप ऑफ जो है स्टेन लिया, वन ड्रॉप ब्लड लिया, आपने उसको जो है इंक्यूबेट किया, मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद आपने उसमें से उस सॉल्यूशन में से एक ब्लड स्मेयर बनाया जिस तरह आपने आपने देखा, आपने पहले स्टडी किया ब्लड स्मेयर फॉर्मेशन, आपने उस सॉल्यूशन में से एक जो है स्मेयर बनाया और उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा। रेटिकुलोसाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द वायलेट ब्लू स्टेन ग्रैन्यूल्स ऑफ आरएनए दे कंटेन, इनके अंदर क्या होगा हमें आरबीसीज के अंदर ग्रैन्यूल्स मिलेंगे तो फिर हम कहेंगे अच्छा ये रेटिकुलोसाइट्स हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ओके, इसकी वैल्यूज को हम परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं एंड इंडेक्स और प्रेफरेबली इन एब्सोल्यूट नंबर्स। और हमारे पास एक और भी होता है कि हम इंडेक्स भी रेटिकुलोसाइट इंडेक्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं व्हेन आरबीसी काउंट इज अवेलेबल, ओके। सो ये आपको प्रिंसिपल है, आपको स्लाइड में भेजूंगा, डोंट वरी, ओके। सो हम स्पेसिमन की तरफ चलते हैं, स्पेसिमन हमें क्या चाहिए, मिक्सड ईडीटी एंटीकोगुलेंट चाहिए, वेल मिक्सड ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड, और इन केस ऑफ यंग चाइल्ड फ्री फ्लोइंग कैपिलरी ब्लड भी लिया जाता है, मींस डायरेक्टली अगर बच्चे से कैपिलरी ब्लड निकाल कर उसको मिक्स कर दिया जाए विद रेटिकुलोसाइट स्टेन, देन हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी यूज यूजुअली ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड, और वही ब्लड लिया जाता है जो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्लेस 2 to 3 ड्रॉप स्टेन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ईडीटीए ब्लड। अगर आपका जो है ईडीटीए में ब्लड मिक्स नहीं है तो सबसे पहले आपने ब्लड पेशेंट से लिया उसको ईडीटीए में मिक्स करना है। इफ ब्लड इज ऑलरेडी मिक्स विद एंटीकोगुलेंट ईडीटीए देन फिल्टर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर स्टेन और फिल्टर योर स्टेन, ठीक है। आपने फिल्टर किया स्टेन और फिर उसके बाद आपने 4 ड्रॉप से 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ स्पेसिमन यानी कि ब्लड जो है आपने उनको लेकर जो है उसके साथ मिक्स कर दिया स्टेन के साथ, ठीक है। अगर मैं प्रोसीजर और आसान कर दूँ तो लिसन केयरफुली, प्लेस 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ईडीटीए ब्लड, ओके, इज वेरी सिंपल। आपने जो क्या किया था 2 से 3 ड्रॉप ब्लड के लिए और ईडीटीए वाला जो ब्लड था जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड था उसके 2 से 3 ड्रॉप लिए एंड उनको मिक्स कर दिया, इक्वल वॉल्यूम लेना है आपने 2 to 3 ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स एंड इंक्यूबेटेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने क्या किया, इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर देन फॉर 15 मिनट्स, यूजली 15 मिनट्स यूज होते हैं, 15 to 20 मिनट्स आर एनएफ। देन If the patient is anemic, then double the amount of blood used. अगर patient बहुत ज़्यादा anemic है, patient is suffering from severe anemia, then आपने उसमें पता है कि RBCs की amount कम मिल सकती है, then you will go for a double amount of sample, आप double sample लेंगे, ठीक है। देन प्रिपेयर फिल्म ऑन ग्लास लाइट, जब आपने इंक्यूबेशन दी और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप इसकी ग्लास लाइट बनाएंगे, आसान सा तरीका, 3 step and 4। पहले आपने प्लेस 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ईडीटीए ब्लड। सेकंड, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपने ब्लड और स्टेन को मिक्स किया उसको आपने इंक्यूबेट किया, ये सेकंड स्टेप है। देन आपने क्या किया, जो भी अनिमिक चीज़ है आपने क्या किया, इफ अ पेशेंट इज अनिमिक देन डबल द अमाउंट ऑफ ब्लड, अगर पेशेंट अनिमिक है तो आपने उसको डबल कर लेना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। समटाइम यूजली कॉमनली क्या होता है कि इक्वल अमाउंट यूज की जाती है। प्रिपेयर फिल्म ऑन ग्लास लाइट, ओके, फिर आपने उसी सॉल्यूशन में से ग्लास लाइट बनाई और उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, कैलकुलेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपने अपनी जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है उसके ऊपर आपने कहाँ देखने, नाउ अपीयरेंस ऑफ रेटिकुलोसाइट्स काउंट,
ठीक है, हमने जो है अपीयरेंस कैसे मिल रही है, अपीयरेंस हमें कैसी मिल रही है, हमें रेडिकोसाइट के यूजली पेल ग्रीन टू ब्लू स्टेन सेल्स मिलते हैं। ठीक है, हमारे सामने आपके सामने जो ये डायग्राम नजर आ रही है, यू कैन ऑब्जर्व इन अ डायग्राम इन थ्री आरबीसी सेंट्रली ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स इन आर प्रेजेंट हेयर इन दीज थ्री आरबीसी, सो दीज आर एक्चुअली रेटिकुलोसाइट्स। ओके, सो हमें ये ऐसे अपीयर होंगे ऑन ऑयल इमर्शन लेंस पर जब हम इसको देखेंगे। सो पेल ग्रीन टू ब्लू कलर स्टेन सेल नजर आएंगे, कंटेन डार्क ब्लू वॉयलेट इंक्लोजियंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूलर ग्रैन्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इररेगुलरली, और इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, हमें ये इररेगुलर अरेंजमेंट में डार्क ब्लू कलर में जैसे कि ये नजर आ रहे हैं, इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद काउंटिंग, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने रेटिकुलोसाइट काउंट को माइक्रोस्कोप पे देखते जाना है, हर फील्ड में देखते जाना है, और आप फील्ड को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, टोटल 1000 आरबीसीज, जैसे कि आपने फील्ड वो देखनी है जिसमें आपको आरबीसीज जो है वो थाउजेंड्स मिले। अगर आपको थाउजेंड आरबीसीज नहीं मिल रहे तो 100 वाली फील्ड देखें जिसमें एस्टिमेटेड 100 आरबीसीज मिल रहे हो, तो आपने 100 आरबीसीज वाली 10 फील्ड्स देखनी है। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, टोटल आपने रेटिक्स जो काउंट करने हैं वो आपने थाउजेंड्स आरबीसीज में काउंट करने हैं। तो ऐसी कोई फील्ड जिसमें थाउजेंड्स आरबीसीज हो, या फिर इसको भी छोड़ के ये इम्पॉसिबल होता है यूजली, तो आपके पास जो फील्ड आती है वो 100 आरबीसीज इजीली अवेलेबल होते हैं। सो ऐसी फील्ड जिसमें 100 आरबीसीज हो, वो आप वो 10 फील्ड देखेंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगी 1000 आरबीसीज। उन 1000 आरबीसी में हर फील्ड में कितने रेटिक्स नजर आ रहे हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। तो आप उन 1000 आरबीसीज में, यानी कि उन 10 फील्ड्स में जितने रेटिक्स नजर आए थे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, वो होंगे आपके रेटिक्स काउंटेड। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज जो कि आपके 1000 होंगे ना, आपने 1000 आरबीसी काउंट किए। ठीक है, तो आपके 1000 आरबीसीज आ जाएंगे। तो इस तरह मीन इट्स अ सिंपल परसेंटेज फॉर्मूला, कैसे रेटिक काउंटेड कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसीज काउंटेड। टोटल आरबीसीज आपने 1000 काउंट किए थे, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेटिक की परसेंटेज आ जाएगी। टोटल आरबीसीज 1000 में से आपने काउंट करने हैं तो यू ना हो के 1000 आरबीसीज नीचे आएंगे, एंड रेटिकुलर काउंटेड जो है वो आपके कितने हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, फैक्टर इफेक्टिंग द टेस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसकी जो है रेटिक इंडेक्स की तरफ पहले आ जाए, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंडेक्स पहले कर लेते हैं। इन केस ऑफ स्वेर एनीमिया द रेटिक काउंट शुड बी करेक्टेड फॉर एनीमिया एंड एक्सपेक्ट द रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। अगर स्वेर एनीमिया, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्वेर एनीमिया, देन वी विल रिपोर्ट रेटिक्स इंडेक्स इंस्टेड ऑफ रेटिक परसेंटेज। ओके, ये भी याद रखिएगा। कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले रेटिक्स की परसेंटेज फाइंड आउट की, जो भी आपके पास रेटिक्स की परसेंटेज आई, देन आपने क्या किया, उसको परसेंटेज को जो है पेशेंट की हीमोग्लोबिन से मेजर किया, मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज मतलब जो भी आई थी, फॉर एग्जांपल 10% आ रहे थे, 10 को मल्टीप्लाई किया हीमोग्लोबिन के साथ, डिवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो एक नॉर्मल रेंज है जो डिसाइडेड है, आपने उसके साथ क्या किया, मेजर किया नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ, उसके साथ डिवाइड किया। ठीक है, पहले रेटिक को मल्टीप्लाई किया मेजर्ड हीमोग्लोबिन पेशेंट की कितनी है, और उसके बाद जो एक नॉर्मल वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करके, तो जो भी वैल्यू आई वो हमने रिपोर्ट की, और यूजली 1-3% जो है नॉर्मल रेटिकुलर इंडेक्स इज अ नॉर्मल वैल्यू। ओके, रेटिकुलोसाइट्स की परसेंटेज में आपकी मैं वैल्यूज नॉर्मल बता चुका हूँ, ये इंडेक्स की है 1-3%। ओके, ये भी परसेंटेज में इंडेक्स में ही रिपोर्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, ये सारी जो है चीज़ें जो है ये इंडेक्स की चीज़ें थी। ठीक है, सो नॉर्मल वैल्यूज जो है मैंने आपको बताई हैं पहले इसकी। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट, इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट इन 1 लीटर ऑफ होल ब्लड। अब एब्सोल्यूट काउंट क्या होता है कि 1 लीटर के अंदर कितने रेटिकुलोसाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, so this is calculated by multiplying reticulocyte percentage by RBCs counting and divided by 100। ठीक है, आसान सा तरीका है, जितने आपके पास reticulocyte count आ जाएंगे उसको आप multiply करेंगे किसके साथ, जितने आपने RBCs counted है। ठीक है, RBCs जितने count हैं, तो ये formula है आपके पास। अगर 150 multiply 10 is 5 है, ठीक है, तो आपने इनके साथ multiply करना है, ये आपकी value थी।
तो आपने डिवाइड करना है 100 से, तो इस तरह से क्या हो सकता है जो है, ये तो नॉर्मल वैल्यू है ना, इसी तरह से क्या होता है, एक फॉर्मूला है जिसे फाइंड आउट करते हैं, आसान सा फॉर्मूला है, रेटिकुलोसाइट जितनी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करें आरबीसीज के साथ, उसी सैंपल में जितने आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू है, देन उसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ, सो इट विल बी एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट।